दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने का सपना देखने वाला चाइना अब कुछ ऐसा करने की सोच रहा है जिससे इंडियन ओशन में उसका दबदबा बढ़ सकता है। चाइना थाईलैंड के क्रासमस से कनाल बनाने की प्लानिंग कर रहा है जिसके जरिए चाइना अपने कार्गो शिप्स और नेवी को इजीली इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के बीच में मूव कर पाएगा और उसको मलक्का स्ट्रेट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा और मलेशिया के बीच की ये थिन वाटर बॉडी है जो मिडिल ईस्ट से साउथ ईस्ट एशिया में एंटर करने का सबसे शॉर्टेस्ट सी रूट है। देखो दुनिया का 60% मैरीटाइम ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होता है और इसी मलक्का स्ट्रेट ने छोटे से दिखने वाले सिंगापुर की इकोनॉमी को इतना बड़ा बना दिया है। साल 1965 में सिंगापुर की जीडीपी 1 बिलियन से भी कम थी और साल 2023 में ये करीब 753.273 बिलियन डॉलर है। सी ट्रैफिक से सिंगापुर को मिली इस सक्सेस को देखकर ही थाईलैंड भी कनाल बनाने के प्लान्स बना रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से थाईलैंड को अपने कनाल के प्लान्स पर दोबारा सोचना पड़ रहा है। तो क्या है ये थाई कनाल का पूरा मामला और अगर ये कनाल बन जाता है तो इसका इंडिया और पूरे वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया के ज्योग्राफी को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये है पूरा एरिया का मैप और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो अभी इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन जाने का मेन सी रूट है। अराउंड 90,000 वेसल्स हर साल इस रूट का यूज करते हैं और करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस यहाँ से हर साल होता है। लेकिन शॉर्टेज सी रूट होने की वजह से ना मलक्का स्ट्रेट में सी ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है और पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकुओं का नंबर भी यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। इसलिए थाईलैंड के क्रासमस में कनाल बनाने के सजेशन बहुत पहले से ही दिया जा रहा है। साल 1677 में थाई किंग नाराई ने फ्रेंच इंजीनियर दे लामार को इस जगह का सर्वे करने के लिए कहा था ताकि यहाँ पर एक कनाल बनाया जा सके, लेकिन उस टाइम पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए तब इस आइडिया को इम्प्रैक्टिकल बताकर ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद साल 1793 में चक्री डायनेस्टी के फाउंडर किंग रामा फर्स्ट के छोटे भाई महासुरा सिंगनाथ ने कनाल बनाने का सजेशन दिया। उनका मानना था कि इसे मिलिट्री शिप्स को ईस्ट से वेस्ट कोस्ट में भेजा जा सकेगा और वेस्ट कोस्ट को प्रोटेक्ट करने में आसानी होगी। हालांकि उस टाइम पर भी कनाल के आइडिया पर कोई काम नहीं किया गया। इसके बाद साल 1863 में जब बर्मा यानी कि म्यांमार और सिंगापुर को ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज बनाया ना, तब ब्रिटिशर्स ने इस कनाल प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट थाई किंग रामा फोर्थ को शो किया, लेकिन उस वक्त ना बात कुछ आगे बढ़ नहीं पाई। साल 1882 में फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनांड दे लेसिप्स ने कनाल एरिया को विजिट किया लेकिन थाई किंग ने उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने की परमिशंस नहीं दी। इसके बाद 1897 में ब्रिटिश एम्पायर और थाईलैंड किंगडम के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसके तहत दोनों कंट्रीज ने ये फैसला किया कि थाईलैंड में कनाल नहीं बनेगी ताकि ईस्ट एशिया में सिंगापुर के पोर्ट्स की जो डोमिनेंस है ना उसको बरकरार रखा जा सके। इसके बाद साल 1946 में वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद ब्रिटेन और थाईलैंड में एक और ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था एंग्लो थाई पीस ट्रीटी। ये ट्रीटी थाईलैंड से इसीलिए साइन करवाई गई क्योंकि थाईलैंड ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स यानी कि जर्मनी जापान और इटली का साथ दिया था जो ब्रिटेन के खिलाफ थे। इस ट्रीटी में ये कंडीशन भी रखी गई थी कि बिना ब्रिटिश एम्पायर की परमिशन के थाईलैंड में कोई भी कनाल नहीं बन सकता। हालांकि साल 1954 में थाईलैंड ने इस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी कनाल बनाने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। कनाल के आइडिया को फेल होते देखकर साल 1993 में इसी क्राइसमस पर एक हाईवे बनाने का फैसला किया गया जिसकी मदद से कार्गो एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक रोड के जरिए पहुंचाया जा सके, लेकिन हाईवे का प्लान भी सक्सेस नहीं हो पाया और उस हाईवे को वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज किया जाने लगा। इसके बाद साल 2005 में चाइना भी इस कहानी में एंटर कर जाता है जब द वॉशिंगटन पोस्ट लीक्ड रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें ये पता चला कि चाइना थाईलैंड की क्रा कनाल को कंस्ट्रक्ट और फंड करने में इंटरेस्टेड है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना को ये कनाल बनाने में 28 बिलियन यूएस डॉलर और इसको कंप्लीट होने में 10 साल और 30,000 वर्कर्स लगने वाले हैं। एंड एज यू सी कि किसी कंट्री की ज्योग्राफी को बदलकर उसमें कोई कनाल बनाना कितना चैलेंजिंग काम है, लेकिन इस चीज को पॉसिबल करने में एक मेजर रोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस कनाल की डायमेंशंस को सैटेलाइट से कैलकुलेट करने से लेकर इसके डिजाइन एंड फ्यूचर में इससे होने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स की कैलकुलेशन तक सब में यूज हुआ है। और वी ऑलरेडी नो कि एआई तेजी से अब सभी सेक्टर में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है जिसकी प्रोडक्टिविटी से आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे और कुछ सालों में तो एआई इतने एडवांस हो जाएंगे कि ये आपका काम आपसे बेहतर करेंगे। ऐसे में अपने जॉब में इररिप्लेसेबल रहने का और फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए केवल एक रास्ता है,
कि हम इन AI को अपने लिए काम कराएं और इनसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिसेंट रिपोर्ट ने यह भी माना है कि AI और ऑटोमेशन से रिलेटेड इंडिया में 4.7 मिलियन नए जॉब्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, विच प्रूव्स कि सब्जेक्ट में बीटेक करना इज द स्मार्टेस्ट ऑप्शन। बट आज के समय में मैक्सिमम कॉलेजेस आउटडेटेड करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एडवांस टेक्नोलॉजीज में स्किल गेन करना मुश्किल होता जा रहा है। अब अगर आप भी एक सही इंजीनियरिंग कॉलेज की खोज कर रहे हो तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ये तीन चीजों पर चेक करना बहुत जरूरी है: करिकुलम, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर। जैसे कि अगर न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनका करिकुलम खुद मांग के प्रोफेशनल्स ने डिजाइन किया है, जिसमें फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग एंड AI के फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं। एंड प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स काफी अमेजिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि AI पावर्ड ड्रोन और जेस्चर कंट्रोल व्हील चेयर जैसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। फिर इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए यहाँ मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप भी मिलती है एंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न के वर्किंग प्रोफेशनल पर्सनली मेंटोर भी करते हैं। और साथ ही साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए यहाँ के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स सिंगापुर एंड सिलिकॉन वैली के टेक इवेंट्स में भी जा रहे हैं। इन सब के रिजल्ट के कारण यहाँ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टफेस्ट ग्लोबल कोडिंग कंपटीशन ICPC में 114th रैंक ला रहे हैं। एंड ऑल्सो इनके एक स्टूडेंट ने रिसेंटली तो गूगल की GSOC इंटर्नशिप भी क्रैक करी है, जिसमें शी विल बी अर्निंग 1.25 लाख पर मंथ। इवन यहाँ के बाकी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स भी 30,000 पर मंथ की एवरेज स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। ऐसे अचीवमेंट्स के कारण अपने नेक्स्ट लेवल करिकुलम की वजह से इस कॉलेज की डिमांड एक ही साल में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब दिल्ली के साथ इन्होंने पुणे में भी अपना कैंपस लॉन्च किया है। ये कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम NSET देना होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन कभी भी क्लोज हो सकती है। सो अभी जाके अप्लाई करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हालांकि इसके बाद भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए कनाल के कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। इसके बाद ये मामला कई सालों तक ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन फिर अचानक से साल 1914 में चाइनीज न्यूज़पेपर चाइना डेली मेल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना की तीन कंपनीज लियोगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड XCMG और सैनी हैवी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड कनाल के कंस्ट्रक्शन को लीड करने वाली। इसके बाद साल 1915 में चाइना के ग्वांगजो में क्रा कनाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें थाईलैंड और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स एक मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन करते हैं, जिसके तहत सालों से पेंडिंग पड़े क्रा कनाल के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने का फैसला किया जाता है। हालांकि इस सब के बाद भी कनाल के कंस्ट्रक्शन में कोई मेजर स्टेप उठाया नहीं जाता। कनाल बनाने के लिए कई सारे रूट्स सजेस्ट की गई थी। अब जो ओरिजिनल प्लान था वो रानोंग और चुम्पोन रीजन से कनाल को निकालने का था, और ये थाईलैंड का सबसे नैरोएस्ट पार्ट था जो सिर्फ 50 किलोमीटर लंबा था। लेकिन अभी कनाल के लिए जो रूट सबसे ज्यादा प्रेफर की जा रही है वो थाईलैंड की चार प्रोविंसेस ट्रांग, शंखला, फाटालुंग और नाकुन सी थामाराज से होकर गुजरेगी और टोटल 128 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। कनाल 450 मीटर वाइड और 25 मीटर डीप होगी और इसको कंप्लीटली सी लेवल पर बनाया जाएगा, यानी पनामा कनाल की तरह कॉम्प्लेक्स लॉक सिस्टम इसमें नहीं होगा। अब अगर ये कनाल सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट हो जाता है ना, तो इससे कई सारे बेनिफिट्स होंगे। नंबर वन, शिप्स को मलक्का ऑफ स्ट्रेट से होते हुए जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है उसके कंपैरिजन में थाई कनाल से जाने पर उनको 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा। 1200 किलोमीटर यानी कि 3 दिन का टाइम बचेगा और 1 लाख डेड वेट वाले शिप के $350,000 फ्यूल कॉस्ट में सेव होंगे। नंबर टू, शिप्स से कार्गो की चोरी कम होगी क्योंकि मलक्का स्ट्रेट में पायरेट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जब थाई कनाल तैयार हो जाएगी ना तो पायरेट्स की ये प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। नंबर थ्री, थाईलैंड की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा क्योंकि कनाल के बनने से थाईलैंड एक मेजर मैरीटाइम ट्रेड हब बन जाएगा। इसके अलावा थाईलैंड की गवर्नमेंट को एक बेनिफिट ये भी होगा कि उनकी नेवी थाईलैंड के वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के बीच में काफी फास्टली ट्रैवल कर पाएगी। अब इस कनाल से जितना फायदा थाईलैंड को होगा ना, शायद उससे कई ज्यादा फायदा चाइना को होगा, और इसलिए चाइना थाई कनाल को फंड करने के लिए भी तैयार है। देखो अभी के टाइम में चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है, और इसी वजह से चाइना एक तरह से अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए पूरी तरह मलक्का स्ट्रेट पर डिपेंडेंट है। और मलक्का स्ट्रेट में US नेवी की प्रेजेंस चाइनीज अथॉरिटीज को परेशान कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो US स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चाइना के लिए ब्लॉक कर देगा, और ऐसे में चाइना में ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी। इसीलिए मलक्का स्ट्रेट पर अपनी डिपेंडेंस को कम करने के लिए ही चाइना कई सालों से
दूसरे ट्रेड कॉरिडोर्स बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी के चलते चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था, ताकि ऑयल और बाकी गुड्स को इम्पोर्ट करके पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से बाय रोड चाइना तक लाया जा सके और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से घूम कर आने की जरूरत ना पड़े। पाकिस्तान के बाद अब चाइना थाईलैंड को भी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर थाई कनाल सक्सेसफुली बन जाती है ना, तो चाइनीज कार्गो शिप्स इंडियन ओशन से होते हुए गल्फ ऑफ थाईलैंड और वहां से डायरेक्टली चाइना के पोर्ट्स पर पहुंच जाएंगे और उन्हें स्ट्रेट ऑफ मलक्का को यूज करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या सच में चाइना सिर्फ इकोनॉमिक रीजन की वजह से ऐसा कर रहा है या फिर कहानी कुछ और है? देखो, चाइना का थाई कनाल बनाने का एक और मोटिव भी है, इंडियन ओशन में अपनी पावर को बढ़ाना। दरअसल चाइना कई सालों से स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स नाम की एक पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसके तहत वो म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स और जिबाउटी जैसे कंट्रीज में अपने पोर्ट्स बना रहा है। और जब आप मैप पर चाइना के इन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मानो ये इंडिया को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। इंडिया के कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना का ये प्लान इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। इससे इंडियन ओशन में इंडिया की पावर प्रोजेक्शन कम होगी और ट्रेड और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए भी एक खतरा होगा। ऐसे में अगर चाइना थाई कनाल बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का प्लान और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब ऐसा ना हो इसलिए इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस कनाल के प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट और फंड करने में इंटरेस्ट शो किया है, ताकि कनाल पर चाइना का नहीं बल्कि इंडिया या यूएस का कंट्रोल रहे। तो जब कनाल के इतने सारे फायदे हैं और इतनी सारी कंट्रीज प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार है, तो फिर आखिर क्यों थाईलैंड कनाल बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है? फरवरी 2018 में थाई गवर्नमेंट के एक स्पोक्समैन ने द स्ट्रेट्स टाइम्स को बताया था कि प्राइम मिनिस्टर प्रायुत चान-ओ-चा ने यह साफ कहा है कि कनाल बनाना अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी उस एरिया में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिनको पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो आखिर क्या है वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से कनाल बनाने का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट थाई गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा? नंबर वन, थाईलैंड के जो साउदर्न मोस्ट प्रोविंसेस है ना, पट्टानी, याला और नाराथीवाट, उनमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहाँ कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स है जो मिलकर एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं। ऐसे में अगर कनाल बनाई जाती है तो वो थाईलैंड को फिजिकली दो पार्ट्स में कट कर देगी और ये तीनों प्रोविंसेस थाईलैंड से अलग हो जाएंगी और यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। नंबर टू, पॉलिटिकल फैक्टर्स के साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है जिनकी वजह से थाईलैंड कनाल नहीं बनाना चाहता। इस कनाल के बनने से 90 विलेजेस और 60,000 लोगों पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा और इनमें से बहुत से लोगों को डिस्प्लेस भी करना पड़ेगा। इसके अलावा फॉरेस्ट और इकोसिस्टम को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और सी लेवल तक खुदाई करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत ज्यादा सॉइल निकलेगा, तो उस सॉइल को भी कहीं ना कहीं डंप करना पड़ेगा। नंबर थ्री, अगर कनाल बनकर तैयार हो जाता है तो इससे सिंगापुर में 30% शिपिंग ट्रेड कम हो जाएगी और सिंगापुर की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा मलेशिया के पोर्ट्स पर भी मैरीटाइम ट्रैफिक कम हो जाएगी, जिससे उनको भी लॉसेस हो सकते हैं और थाईलैंड ना अपने इन दोनों एलायंस को नाराज नहीं करना चाहेगा, इसलिए थाईलैंड अभी कनाल बनाने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर चाइना के साथ मिलकर थाईलैंड कनाल बनाता है तो इससे थाईलैंड एक मेजर जियोपॉलिटिकल राइवलरी में फंस जाएगा जो यूएसए और चाइना और इंडिया के बीच चल रही है। इसका रीजन मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये कनाल इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी की प्रेजेंस को बढ़ा देगी। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से थाईलैंड कनाल नहीं बनाना चाहता अभी के लिए। तो दोस्तों, कनाल का प्लान भले ही सक्सेस होता नहीं दिख रहा है, लेकिन थाईलैंड ने एक दूसरा प्लान बनाया है, लैंड ब्रिज का। थाईलैंड अब कनाल के प्लान को ड्रॉप करके 90 किलोमीटर का एक लैंड ब्रिज बनाना चाहता है, जिसके लिए वेस्ट में रानोंग और ईस्ट में शुमपोन में दो डीप सी पोर्ट्स बनाए जाएंगे और उनको रेल एंड रोड्स के जरिए आपस में कनेक्ट किया जाएगा और कार्गोस को ट्रक्स और ट्रेन्स पर लोड करके लैंड ब्रिज के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड पहुंचाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में अराउंड $35.6 बिलियन का खर्चा आएगा। हालांकि लैंड ब्रिज को सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा, नेवी या मरीन शिप्स के लिए ये यूजफुल नहीं होगा। हालांकि थाईलैंड की करंट पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए कनाल के बनने की उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन इंडिया को फिर भी पहले से ही कुछ मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि इंडियन ओशन में चाइना की बढ़ती पावर को रोका जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाइना अंदर ही अंदर क्या प्लान बना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना थाईलैंड का ये कनाल बन सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आपको ये वाले वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर चाइना क्यों इंडियन सिम कार्ड्स की स्मगलिंग कर रहा है।
यहाँ पर टैप करो और जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।